चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, और अगर कोई मेहमान साथ हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है चाय पे चर्चा पे। और यही जूझ रहा हूँ मैं, टेक्निकल जो ग्लिचेज है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने हर रोज़ आओ 5 बजे। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स नाउ। समबडी सेड नो ऑडियो, टोटली ब्लर्ड। राजन के वी सेज नो ऑडियो, बट आई थिंक द ऑडियो इज़ फाइन। सो एनी वेज, यू नो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट आज मेरे घर जो आने वाले हैं चाय की चर्चा पे इंटरनेट के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मेरे टीचर के समान है, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। और मैं उनको बुलाना चाहता हूँ ताकि हमें जो आयुर्वेद के बारे में और जानकारी जो चाहिए वो मिलेगी। सो टुडे स्पेशल गेस्ट इज़ नन अदर देन वन ऑफ माई वेरी रिस्पेक्टेड सर्स, हु इज़ वन ऑफ आर टीचर्स, who has played a very significant role in my life too, and I would like to call him up on the show so that we can learn from him. You remember, my way is just to ask a few questions, and I believe a few questions can reveal a lot about the person. So that's how we will do this show. और ये शो में मज़ा भी होगा, there will be fun. Especially ये शो हिंदी लोगों के लिए बना था, लेकिन कुछ लोग इंग्लिश लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती, इसलिए मुझे उनके लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गिव अ कॉल टू डॉक्टर जाधव, हम उनको फोन करेंगे। यस, हियर वी हैव डॉक्टर जाधव चाय पे चर्चा शुक्रवार के 5 बजे के प्रोग्राम में। आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच राजेश। Great. And to let you know, Dr. Jadhav has been a very prominent figure in setting me up on this platform also of DXN. And he is a phenomenal person when it comes up to teaching with almost 30 years of experience in teaching. तो उनके पास से हम भले 30 साल का नॉलेज 5 सवालों में तो सीख सकते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। सो डॉक्टर, चलो कुछ सवाल करते हैं। बिल्कुल। पहले तो ये सवाल, आपका हालत कैसा है लॉकडाउन में? जैसा आपका है वैसे मेरा भी हाल बुरा है, दिख रहे हो मुझे? ऑल हेयर्स आर ग्रे, माय मुस्टैच इज ग्रे, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रे, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम द डिजीज। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द मैसेज आई थिंक सो एवरीबॉडी विल वांट टू टेल दैट प्लीज स्टे होम, स्टे अवे फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड और पासिंग ऑन द इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर, आपके लिए मैंने कुछ 5 सवाल निकाले हैं, तो 5 सवाल, यू नो। और पहला सवाल आपके लिए है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक? वेरी गुड क्वेश्चन राजेश सवेरा, बट टू वेरी फ्रैंकली टेल यू दैट दिस इज एन नोवल वायरस। द मीनिंग ऑफ नोवल इज अ न्यू वायरस, सो वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज। तो आयुर्वेद, तो एलोपैथी, ऑल दिस पीपल आर टोटली न्यू टू दिस वायरस, सो वी आर going on trial and basis. So not any pathy, you know that every pathy has its own points to advocate. Correct. So I would not say that Ayurveda is great, allopathy is not great. Every pathy is doing the best on their side. But now we are working on this. All is going on experiments. Last few days I heard an statement from a very big professor from New York. He said that there is no use of lockdown. He said, chalo bahar jaake face kare and let build heredity that builds immunity against the disease. It's a very last statement made by this great person from America, New York. But we are not in a position now to see this, at least in India. So we just can't go totally out. But in my point of view, that
the role of Ayurveda in this stage of COVID is that working for the people who are getting out of their door and working for the people who are suffering. For example, there may be Safai Kamgar, there might be the nurses, there might be the doctors, all the people who are involved in cleanliness, in municipal corporations, on kachara gadis. These people are coming out and they are working. And what they need in this hour from Ayurveda is they need a good immunity and they need a good medicines to cover their lungs, to keep their lungs healthy, which is the main site of corona or COVID, you can say, and raise their immunity, raise their daily life, because people are safe in the home. They are trying all their best to take defend this disease. But the people who are walking out of the doors, they are out working out of their houses and they are helping the humankind. So our role and our pathy, that is Ayurveda, must help these people in giving medicines, building their immunity, building their healthy lungs, and building their whole total immunity. So, physically, mentally, both ways. Yes, I agree. I totally agree. ये वाला रिस्क तो उठा नहीं सकते कि चलो जाके लड़ जाओ, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कैरियर बन सकते हो. आपके घर में कोई बूढ़ा होगा, कोई बच्चा होगा, उसको वो नहीं शायद लड़ सकता है. तो डेफिनेटली आई एग्री टू यू. एटलीस्ट हु आर अबव 60 हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, उनको घर में क्यों क्वारंटाइन करते? दे शुड बी क्वारंटाइन इन द हॉस्पिटल. एटलीस्ट वन जनरेशन विल बी सेव्ड देयर. Absolutely. Try to understand. Yes. This is a very bold statement. This is a very bold statement, I can understand. But we have to take care of these people. We also have to be safe. We are going out, we are bringing the infection, we are bringing the virus, we are bringing it to our house. So we will be infecting our people, our relatives, our children, our fourth generation. Yeah, and we have to take care of ourselves. We have to also take care of the people who are coming out. See the police department. They are working so hard. And recently, I think in Mumbai, there are six or seven police departments who have decayed in this pandemic. So they are working for the people. So our faculty, especially Ayurveda faculty, should try to work for these people who are taking care of the total humankind and the total human values in our country, especially. Yeah, that's true. And Ayurveda is the science for everyone, actually. That was what I believe. And that means even Ayush, the main organization. Yes, Dadanesh, I tell you a frank thing. You are a student of Ayurveda. Yeah. Right? Yes. What tradition we had in our country? What tradition we had in our country? When you used to go in a house, when you were coming from somewhere out, we used to wash our hands. Wash our feet, then enter the house. Yes. Chappals and everything. So this is our tradition, and that is what Ayurveda tells. Yes, and culture. That was the culture. That's how we were. That's what I always tell. Eating with the hands. Yeah. Then all those things. The same thing. Huh? Eating with the hand. Eating good food. Fresh prepared food. Yeah. Getting before the sunrise. Sleeping before the sunset. Right. All these things were taken care. Now just see in this scenario of COVID. Do you hear patients about diabetes? Do you hear about patients of cancer or other diseases? No, because people are readily taking everything. They are washing their hands, they are using masks. So they are getting to use now. Corona will go, no doubt. This lockdown will get away. But then too, till December, we have to stay with corona. So we have to follow all these things. और मेरे हिसाब से ना डॉक्टर जाधव, द दुनिया को मेरे, जब इंडिया उस जमाने में भी बहुत बड़ा देश था, मींस इट वाज अ वास्ट एम्पायर, एंड एट दैट टाइम आल्सो वी वर हैविंग ह्यूज गैदरिंग्स. कुंभ मेला में लाखों में लोग आते, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ थिंग लाइक वायरल इन्फेक्शन टू स्प्रेड, वेरी मच पॉसिबिलिटी. बट यू सी, इवन इन दैट यू कैन सी देयर वर सो मेनी मेजर पिलग्रिमेजेस, एवरीथिंग. टेक कुंभ मेला, यू टेक हज, यू टेक एनीथिंग. एब्सोल्युटली. बट दैट टाइम इट डिडंट हैपन. Yeah, and no, I believe the concept of namaste probably came from that, wherein you don't, I respect you, you respect me, we both each other, you know, that this was the best thing. No touching of transmission. He said namaste, na? He said namaste. Yeah. Namaste. That is what Trump's saying nowadays. Namaste. The whole world is saying that. That is true. Or Ayush Mantralay. Namaste, yeah. Ayush Mantralay ne kuch ye bhi bheje hue, so they have started to prescribe certain things. I have sent you a beautiful slide of Ayush department. Okay. Just be kind enough to show it to people who are hearing your charcha. Yeah, get an idea about it. If I can pull them up on the screen, give me 1 minute. Yeah, there were a few.
And let me see if I can keep a few. So this was one that is basically, yeah, this was how to keep your lungs healthy and increase your immunity. Isme pranayam, exercise, Ayurvedic kwad, golden milk, nasya, kaval, gandush, drink hot water. This was there. So I think you can get this on the internet also. And then you also send me one. Yes. Was the you can also go on the site of Ayush and you'll get all the details of how to prepare the decoction. Yeah. What is decoction? Golden milk is milk with turmeric. Kaval gandush is gargling hot gargles of salt water. You can take trifara, you can take ST madhu, take any drugs and boil them, make it lukewarm and gargle them. Mm-hmm. Kaval gandush is nothing, just gargling. What we used to do in tonsillitis. And you send one more with cucumber, fresh mint, chia seeds, lemon, lime, aloe vera, ginger, herbal tea, berries. These are things which we should consume in this pandemic. Okay, this is good to consume. ये जो अभी बताया गया है ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल है. डॉक्टर if you have shown this to the people who are hearing to you and hearing to me, yeah, there is a title of said this is shown by Department of Ayush and they are working on a large scale. हाँ ये जो है डिपार्टमेंट आयुष का मंत्रालय, इट्स मेंशन देयर ऑन द स्क्रीन इफ यू सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. Yeah. So you can get there. Okay, great. So sahi hai. So now I will let's move to the question number two. Okay, so question number two for you. Yes. Is you are a postgraduate, an MD in a subject called Rasashastra. So Rasashastra hai okay. kya? Ye bahut zaruri hai. Ras aur Shastra, ye please. I know, but I want the audience to know also. It's a simple thing. This subject is called as Rasashastra. One word. And the second word, adjourning it, coming together it, is Bhaishajya Kalpana. Bhaishajya. A simple meaning, Rasa is mercury. Okay. And the medicines made out of mercury, all the minerals, metals, precious stone, semi-precious stones, some marine products like conch, then you can say, all the things which are coming from marine. Jisko hum shankh, shukti, कपर भी कह सकते हैं. सो ऑल दिस मेटल साइड प्रिपरेशन एंड यूसेज इन द मेडिसिन फॉर्म इज कॉल्ड रस शास्त्र. बट रस शास्त्र द नेम इज गिवन ड्यू टू रस. द फर्स्ट लेटर इज रस. द मीनिंग ऑफ रस इज मर्कुरी. एंड द सेकंड वर्ड इन दिस सब्जेक्ट इज भैषज कल्पना. द मीनिंग ऑफ भैषज कल्पना इज दिस आर द मेडिसिन विच आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग हर्ब्स and animal products and animal byproducts. So this is the difference between these two. So in all, you can call it is an pharmacology of Ayurveda. Pharmacology, it preparation was, of medicine, yeah, which doctors require to treat the patient. Yeah. सो जिनको पता नहीं है ये रसशास्त्र, भैषज रसशास्त्र जो है ये एक स्पेशल ब्रांच है और डॉक्टर जादव उनके उस सब्जेक्ट में एमडी है. और ये बेसिकली जो भी जड़ी बूटियों के साथ तो डील करते हैं, उसके साथ साथ भस्म और जो मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह, जिनको ऐसे लेके जाते वक्त आपके बॉडी में बहुत नुकसान हो सकता है, उसका एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन मेथड होता है. ये एक स्पेशलाइज ब्रांच है, इसीलिए अंडर जो लाइसेंस गवर्नमेंट ये होती है फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल वही मैन्युफैक्चर करते हैं. और इसे बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में, आप सोच सकते हो ये एक जैसे मॉडर्न मेडिसिन का फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसी तरह ये उस जमाने का एक फार्मास्यूटिकल विंग था. राइट और रॉन्ग डॉक्टर? परफेक्टली राइट. ओके ग्रेट. सो दैट चेंज, इट इज नॉट चेंज. अगर मैं आपके स्पेक्टेटर्स को बता दूं दैट व्हेन वी इन्वेंटेड पेनिसिलिन, और से मॉडर्न साइंस इन्वेंटेड पेनिसिलिन, से वी आर बैक, दे थॉट दैट दे हैव वन ऑल द डिजीजेस, बट नाउ वी आर इन द सिक्स्थ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक. करेक्ट. वेयर एज 4000 बिफोर, 6000 बिफोर, वट एवर आवर मुनीस दैट आर द ऋषिज who have mentioned in the text, ancient text, it remains same now also. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत मायने रखता है जो डॉक्टर जाधव ने अभी बताया कि पेनिसिलिन का जब इन्वेंशन हुआ तब उन्होंने सोचा कि अभी उन्होंने जीत लिया, हर बैक्टीरिया पे उन्होंने जीत पा ली, लेकिन अभी उनका वो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड करते छठे जनरेशन तक आ गए और आगे मालूम नहीं कौन से जनरेशन तक जाएंगे. लेकिन जो 4000 साल पहले जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया था, जो कॉम्बिनेशंस लिखे गए थे, उसकी बनाने की विधि और उसका इफेक्ट,
वो जमाने में और आज के जमाने में इफेक्ट वही है, उतना ही पावरफुल काम करता है. वेरी वेरी गुड, ग्रेट. आई थिंक वी शुड बी हैविंग समडे मोर इन डेप्थ, यू नो आई लाइक दिस मेटलर्जी. Especially this is an introductory way of talking, but in the Deepika, my subject, especially Rash Shastra Vaisheshikalpana, we have to have another charcha on chai. Yeah. I'll be happy. Yes, Share yes. only Rash Shastra and Vaisheshikalpana. Yes, yes. But now the scenario is different, and you want to know something different from me. Yeah. चलो अभी हम तीसरा सवाल पूछता हूं मैं आपको, एंड दिस थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू टेल इन शॉर्ट हाँ. व्हाई आयुर्वेदा डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस? A very good question. It differs from other medicines. I couldn't say that because every pathy, say allopathy, homeopathy, Ayurveda, all this treating of science, there are many more. There is Reiki, there is Chinese traditional, and thousands to call and thousands to list. But every pathy or every system of medicine has its own good points, has its bad points. What is the development of modern medicine? It is not the development of modern medicine. It is development of physics, chemistry, biology, and anesthesia, which they have grown up. But they are doing best in the emergencies, and we are doing best whatever they don't treat properly. So it is not treating properly or none properly, but we have some good points in our team, and they have some good points in their team. But every team is working good. But why I say Ayurveda, I told you a simple example. The dose of any drug, I say we are in the sixth generation, and Dr. Rajesh, we will be entering in the next seventh generation of antibiotic. But then too, you are a student of Ayurveda, you are a doctor of Ayurveda. Just tell me the dose of Haritaki, the dose of Tribhuvan Kirti, the dose of any disease or any medicine given in a disease, has it No. differed from last 6,000 years? No. It still remains the same, The and it difference is will remain the same. the difference is the difference. The difference, I'll tell you what, you know it very well, but let your spectators know it. Say any person suffering from fever, if he goes to a modern doctor, there is only one treatment for that, that is tablet paracetamol. If three patients come to you, Rajesh, one is of Vata Prakruti, one is of Pitta Prakruti, and one is of Kapha Prakruti, will you give crocin to all? No, not No. well. So our medicines differ as per the Prakriti. Prakriti is the constituent, natural constituent of a person when he is born. So a person coming with Pitta Prakriti, I will not give him Tribhuvan Kirti because that will be Pitta Kar for him. So I will try Sudarshan Kadha for him. So this terminology you can understand, but you can explain and tell your spectators that in Ayurveda, we consider human body as a whole. That is Atma Man. People say, what is Atma? What is Man? Does it exist? But it exists. If you go and see the latest definition of WHO of a healthy person, Man, Atma, whatever has defined by our rishis from last 10 or 6,000 years, the same definition WHO has constituted regarding a healthy person. That is the difference between modern system or any system and Ayurveda. सो एज डॉक्टर जाधव वेरी नाइसली पुट्स फोर्थ, बहुत अच्छी तरह इन्होंने डाला है कि ये समझाया है कि आयुर्वेद और बाकी शास्त्रों में वैसे देखा जाए तो फर्क नहीं, सभी मेरे हिसाब से उंगलियों की तरह ही है, एक हाथ की सभी उंगलियां अपना अपना काम करती है, और आयुर्वेद भी अपनी तरह से अपना एक काम करती है. जहाँ मॉडर्न साइंस इतनी आगे तरह से बढ़ चुका है, एनेस्थीसिया, सर्जरी, ये सब चीज़ें इमरजेंसी में सबसे बेहतरीन काम मॉडर्न मेडिसिन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसका जो डेवलपमेंट हो गया है वो साइंस का, वो हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मिलके, सब शास्त्रों ने मिलके उस मेडिकल साइंस को आधार दिया और उसको आगे बढ़ाया. लेकिन उसी जमाने में, किसी जमाने में जब आयुर्वेद बन रहा था, तभी उसको भी बहुत सारे शास्त्रों का आधार था. ऐसा नहीं कि सिर्फ हर्ब्स लेके चले थे, तो बहुत सारे शास्त्रों से मिलके वो भी बना था. लेकिन वो जो था वो बहुत ही पावरफुल सिस्टम था, जो कि हम कहते हैं कि वो आज के लिए नहीं है, आने वाले कल के लिए, और पिछले से लेके आज तक और आने वाले फ्यूचर में भी सब जगह वही लागू होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है. और आयुर्वेदा जो है ये बेसिकली आप अगर देखा जाओ कि ये पर्सनलाइज मेडिसिन है. मतलब मैं किसी, जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि कोई बुखार का व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो क्या आप उसको एक ही दवाई देते हो? जैसे मॉडर्न मेडिसिन में एक ही दवाई देते हैं, बुखार आ गया तो उनको सिर्फ टेम्परेचर चेक करना देना है. तो मैंने भी वही उनकी बात मानी, नहीं, हर एक प्रकृति के हिसाब से, हर एक कंडीशन के हिसाब से, कितने दिन का है, सिर्फ ज्वर पे ही बड़ा आद्य है तो उसमें भी कितना टाइप का क्या क्या है वो एक वैद्य को करना पड़ता है. तो वैद्य को उतना, आपकी सिर्फ बुखार पे
कितना डीप जाना पड़ता है, ये सिर्फ एक शायद एक आयुर्वेद वाला जो स्टूडेंट है या फिर टीचर है या फिर जो पढ़ता है उसी को समझ में आता है. या आई अग्री टू इट, दैट इज व्हाट मेक्स आयुर्वेद सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. एंड व्हाई डू पीपल सफर फ्रॉम इंसोम्निया एंड व्हाट इज द आयुर्वेद क्योर फॉर द सेम. और मैं ये आपको पहले सवाल पूछने के पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि इंसोम्निया बहुत बड़ा हुआ है और अभी नहीं बड़ा हुआ है. जैसे बहुत आज की डेट में जब पीपल लोग जो लॉकडाउन है, पीपल आर लॉकडाउन एंड इंसोम्निया इज अ वेरी बिग कंडीशन दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम. और ये कंडीशन चल रही थी बहुत सालों से, मतलब जनरेशन से, लेकिन कोई बात नहीं करता है. किसी के रात को जागने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. तो मेरे पास ना मैंने कुछ चंद गाने निकाले हैं, तो आपको जरा मजा आएगा थोड़े पुराने गाने सुनते हैं तो कैसे फील होगा. ओके ये गाना तो डॉक्टर जादव, नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रात को नींद आती नहीं. डॉक्टर राजेश, आई एंजॉय दी सॉन्ग्स वेरी मच आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. या बताइए. सो इंसोमनिया इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट व्हेन यू आर पॉइंटिंग टू द रीजंस ऑफ इंसोमनिया, देयर आर मेनी 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 अंडरलाइंग रीजंस ऑफ इंसोमनिया. फॉर एग्जांपल, वी आर लिविंग एन स्विच्ड लाइफ. सब स्विच में लगा हुआ है. स्विच ऑफ फैन स्टार्ट्स, स्विच कूलर स्टार्ट्स, स्विच टीवी स्टार्ट्स, स्विच इंटरनेट स्टार्ट्स, स्विच लैपटॉप स्टार्ट्स. So we are connected to lot and lot and lot and lot of switches. This is a simple reason for all these things. You tell me, people are working in IT park. IT park mein ek kaam karne wala jo ladka hai, person who is working in IT, gets salary in lakhs, in five figures, six figures. He buys a belt which is of 16,000. He buys a shoes which is of 24,000. He buys a pant, he buys a suit which is 25,000. I just can't understand. But do you know, fine evening with a cup of tea, his manager can check him out from his job. So earning so much of money, seeing so much of physical facilities, taking care of all these facilities, enjoying these facilities, do you think they are in that psyche of being satisfied? Are they being in a position, having a stress-free night at their home? After getting such a big salary, they're not sure that they will be sacked tomorrow evening with a cup of coffee by their boss. And this is a simple example of IT park. The same carries with all the professions nowadays. Everyone is in a hurry. Everyone is in worry. And everyone wants eat to curry. While we were learning, these were the reasons for cancer, Dr. Rajesh. Yes. But now all these reasons have become the main reasons to live a stress-free life. So the main underlying reason for insomnia is we should try to be happy. It's try to listen good songs like which you played on your video now. Take, listen music, eat good fresh food in the house. Don't go for fast food. Fresh food, good milk, wake up before the sunrise. Sleep before 9 o'clock in the evening. Try that you don't eat after the sunset is on. We have a tradition of having supper in Western countries. But my dear friend, we can't do all this in tropical conditions or tropical countries like India. So we have to eat before the sun goes down. So these are some basic things. अगर आपको याद है राजेश जी, तो जब आप बहुत छोटे थे तो आपकी दादी माँ आपको सर के ऊपर नारियल का तेल लगाती थी. मुझे आपका एग्जाम्पल, आप मुझे आपका एग्जाम्पल खुद का बता दो, कितने दिन हुए भैया आपने नारियल तेल सर पे लगाया? अरे वो टाइम हो गया मेरे को. लगाते हो? लगाते हो? मैं तो लगाता हूँ, लेकिन तो लगाने में कुछ बुराई है? लगाने में कुछ बुराई है? मुझे सिर्फ इतना एक बात बताओ, कितनी बार तुमने घर में रसम बनाया है जो साउथ इंडियन साइड से खाते है? दैट इज ऑल्सो सूप यू कैन कॉल. कभी रसम पिया है आपने 4 साल में? आप जाते हो साउथ इंडिया में जहाँ पर बीएसएल का बहुत बड़ा सेंटर है, सब है, कभी आपने रसम पिया है उस एरिया में? आप कभी केरला गए हो? जंगल देश है वहाँ, आपको सिंपल वाटर नहीं मिलेगा. वहाँ आपको क्या मिलेगा? तो आपको थोड़ा सा ऐसा ब्लूइश कलर का या फिर पिंक कलर का आपको गर्म पानी मिलेगा, ज्यादा गर्म नहीं, जिसको हम आयुर्वेद में फांट कहते हैं, जस्ट लाइक टी. क्यों देते हैं? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो एक अपने देश में अगर इतने प्रदेश है वहां पर आपका डाइट डिफर करता है, तो हमको हमारे डाइट पर, हमारा डेली जो रूटीन है,
जिसको हम आयुर्वेद में दिनचर्या रात्रिचर्या कहते हैं, वो अगर आप सब फॉलो करेंगे तो आयुर्वेद फॉलो करेंगे। आयुर्वेद हमारे सब पांच जनरेशन फॉलो करते थे, हमारी दादा नानी जो भी हमको बताते थे वो मेडिसिन था। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, यानी कि यूर स्पेक्टेटर्स विल बी हैप्पी टू नो, आपका जो घर का किचन है उसके अंदर कम से कम आपके किचन में आपको हैंडी 50 मेडिसिन घर में पड़ा है। आपने कभी सोचा है या इज ऑफ मेडिसिन क्वालिटी? आपके घर में जीरा है, मेडिसिन क्वालिटी है, हरी तो क्वालिटी है ही है, उसके बिना तो शादी भी नहीं होती आदमी की, उसका तो। लेकिन मेडिसिनल यूज कितना है, तो आप सिर्फ अपना किचन भी देख लोगे तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 60-70 थिंग्स इन योर किचन विच आर ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एब्सोल्युटली आई एग्री टू दैट। लिविंग अ हेल्दी लाइफ एंड लिविंग अ लाइफ इन अ मैनर दैट यू विल नॉट गेट डिजीज, तो प्रिवेंशन इज द मेन आइडिया ऑफ आयुर्वेद। बीमार होने के बाद तो ट्रीटमेंट आयुर्वेद ही करता है, लेकिन एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने के लिए जो आयुर्वेद ने बताया है वो अगर हम लीव करेंगे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और इन सो मैंने जैसी नहीं बहुत सारी बीमारी हमको छुएंगी भी नहीं। ये नींद नींद का तो बड़ा, जैसे आपने मेरे को सवाल पूछा कि तेल मालिश करते हो कि नहीं करते हो, और तेल मालिश पे मुझे एक बड़ा अच्छा गाना याद आया और बड़ा ही फेमस गाना था, मैं वो बजा देता हूँ, आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ओके, फिर मैं आपसे वापस जुड़ूंगा, ओके। तो लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमा ले, दैट वाज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। उस जमाने में लोग तेल चंपी करने के लिए बॉटल लेके रास्ते पे घूमते थे, लोगों को करते थे, अभी वो तो मिलता नहीं, अभी स्पा खुल गए। डॉक्टर राजेश, this is a very simple example I gave you, you don't stuck to that example of tail malish, it's fine, but these are small things Dr. Yeah, Rajesh, what we used to follow, agar aap bhule nahi ho to we have come from the same generation, absolutely, humne 10 paise ka coin dekha hai, humne 2 paise ka coin dekha hai, humne 1 paise ka coin dekha hai, humne 20 paise ka coin dekha hai, humne 25 paise ka coin dekha hai, humne 1 rupaye mein kisme ka chocolate laya hai, khaya hai। तो हम उस जनरेशन से आते हैं जब हमारे फोरफादर्स, हमारे घर वाले, हमारे बड़े हमको सब यही देते थे, इसलिए हम आज, आप भी आज इस कंडीशन में अच्छे हो, हेल्दी हो, फिट हो, उसका रीजन क्या है? तो आवर पेरेंट्स हैव टेकन केयर ऑफ, हमारा केयर लिया है, भले वो थोड़े कम पढ़े लिखे हो लेकिन वो जानते थे कि क्या करना है। अभी क्या हुआ है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए हम पैसे दे देते हैं बच्चों को, जाओ पिज्जा खाना है खा लो। यहाँ पे मैं आपको दो डीएक्सएन के दो बेहतरीन नए प्रोडक्ट्स जो है, आपको उसमें से एक तो प्रोडक्ट आप जानते ही हो, गैनो मसाज ऑयल जो है, डॉक्टर लिम ने जो पाम ऑयल के साथ गैनोडोमा कंबाइन करके एक प्रोडक्ट है जो बेहतरीन काम करता है। सो गैनो मसाज ऑयल एक प्रोडक्ट है एंड इट इज वेरी गुड फॉर सूदिंग योर पेन्स एंड एक्स, ये एक अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है ये अगर आप देखोगे तो एक है हमारा नीली तेल, और नीली तेल जो है अभी 20 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से के साथ जो नारियल तेल आप जो मुझे पूछ रहे थे उसी के साथ मिक्स करके ये शारंगदर संहिता से रेफरेंस लेके इसको बनाया गया है। तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट अभी फिलहाल माना जाता है और अच्छी क्वालिटी है। और आप हो अभी आयुर्वेदा के डॉक्टर हो और तेल मालिश की आपने बात की थी, तो मैं एक जस्ट ऐसे ही मैंने ये आपकी तरफ से मैंने लोगों को ये समझाना चाहा, क्योंकि डीएक्सएन के काफ़ी लोग इस शो को देखते हैं, कि यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ऑयल ऑन दी हेड स्काल्प, यूज़ ऑयल ऑन पे एक्स एंड पेन्स ऑल्सो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। सो डॉक्टर यादव, और एक सवाल, लास्ट सवाल पूछने के पहले, आप डॉक्टर लिम से भी मिले हो, आप को वो कैसे लगते हैं, मतलब एक शॉर्ट में उनके बारे में दो, क्योंकि यहाँ बहुत चाहने वाले डॉक्टर लिम के। He's a very genius person. He's a very simple living person. मुझे याद है मैं डीएक्सएन के दिल्ली ऑफिस में बहुत बार गया हूँ। मैं फ्लाइट से जाता था, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता था, वहां से टैक्सी करता था, तब मिस्टर विजय थे अपने कंट्री मैनेजर, और मैं सीधे टैक्सी पकड़ के जाता था। एक बार मुझे पता चला कि जब डॉक्टर लिम मलेशिया से आते हैं वो एयरपोर्ट से मेट्रो में बैठ के ऑफिस जाते हैं। मेट्रो में बैठकर दिल्ली ऑफिस में जाते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर आके कभी कोई टैक्सी हायर नहीं। दिल्ली में ये व्यवस्था भी है, आपको सिंपल टैक्सी मिल जाएगी, आपको एसी टैक्सी भी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके पूना, उनके बॉम्बे, सॉरी दिल्ली, अपना कंट्री ऑफिस में वो कभी भी टैक्सी से नहीं गए, एयरपोर्ट से उतरते थे, मेट्रो में टिकट निकाल के बैठते थे और अपने ऑफिस जाते थे।
तो इतना बड़ा आदमी जो इतनी बड़ी बात रन करना है, उसके पास ये छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जीनियस पर्सन हैविंग अ वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग एंड आई हैव मेट हिम पर्सनली मेनी टाइम्स। ही नोज यू, ही नोज यू। आपने तो देखा है कि मैंने मेरा आयुर्वेद का एक कॉन्फ्रेंस वही अपने डीएसएन के फार्म के बाजू में किया था, और जब हमने एक कॉन्फ्रेंस दुबई में किया था तो स्पेशल गेस्ट करके वो मलेशिया से सीधे फ्लाई करके हमको दुबई मिलने आए थे, जहां पर आप थे, मैं था और बहुत सारे डीएक्शन के लोग थे। तो इतने बड़े आदमी के बारे में बोलना ये कि है कि बिग मैन विद अ बिग विजन बट अ सिंपल वे ऑफ स्टेइंग ऑफ लाइफ। सो वी वेरी सॉरी, प्लीज कन्वे He knows you very well. वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपको. And we have been discussing very soon. We will be collaborating and we will need your help in organizing these international conferences that you are so successful in organizing. You have already organized 10 international conferences किए हैं. तो शायद अभी हम लोग मिलके ये 11वीं वाली भी हम लोग करेंगे साथ में मिलके. We will do a big conference. बिल्कुल. And बहुत बढ़िया कराएंगे. Yes. Yes, we'll do that. Okay. So last question before we take a leave. Any take-home message for people who want to learn more about Ayurveda? Stay. Ayurveda is a very big thing to tell common people, to tell lay persons, to tell people who are working at any sector. The only thing is, sirf, just remember what your ancestors used to do and try to follow a disciplined life which will lead to a healthy life, which will lead to a healthy well-being. बीमार होते हो तो कंसल्ट अ क्वालिफाइड आयुर्वेद फिजिशियन, अ क्वालिफाइड मॉडर्न डॉक्टर, अ क्वालिफाइड पर्सन. नाउअडेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी इज टेलिंग एवरीथिंग, इज शोइंग एवरीथिंग. सो प्लीज डोंट स्टडी इन दिस बिग यूनिवर्सिटीज. प्लीज कम टू स्मॉल यूनिवर्सिटीज लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और नाउ महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ. कम टू स्मॉल यूनिवर्सिटी एंड कम टू पीपल हु हैव स्टडीड इन स्मॉल यूनिवर्सिटीज. डोंट गो टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, डोंट गो टू गूगल यूनिवर्सिटीज और डोंट गो टू अदर बिग यूनिवर्सिटीज विच आर डीलिंग मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ. दैट इज माई मैसेज टू ऑल योर स्पेक्टेटर्स, डॉक्टर राजेश सवेरा. Thank you so much. Jate jate, I just want to run your introduction again so that people can know what Dr. Jadhav is doing and what it is. So that was Dr. Jadhav. Thank you so much for exclusively coming on the 3rd. Just give me a time of 2-3 seconds to just say you a big thanks. Thank you. Again, getting reunited, reconnected, and again reminding me the whole days of the action. Thank you so much, Dr. Rajesh. Thank you so much. Thank you so much. So nice of you. Thank you so much, sir. एंड दोस्तों ये थे हमारे प्यारे डॉक्टर जाधव. अभी COVID-19 का ये लॉकडाउन खोलने के बाद शायद ये आपके भी शहर में विजिट करने आएंगे, मिलेंगे आप लोगों से भी, आपके साथ रूबरू होंगे, बातें भी करेंगे. सो वी वुड लाइक टू कॉल हिम अगेन टू लर्न मोर बिकॉज आई एम गोइंग टू प्लान टू कम अप विथ यू नो अ टीचिंग यूनिवर्सिटी वेर इन वील हैव ऑल दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड टीचिंग यू ऑल. सो थैंक यू डॉक्टर एंड नाउ आई मूव फॉरवर्ड एंड सी यू अगेन. बाय बाय, टेक केयर. रविवार के दिन शून्यतन का आखिरी लैप है. कोशिश कीजिए मैक्सिमम पीपल ज्वाइन द शून्यतन लास्ट लैप ऑफ दिस फर्स्ट सीजन. वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर 1.5 hours ऑफ शून्य मेडिटेशन स्टिलनेस प्रैक्टिस एंड देन we are going to have 5 p.m. on Sunday a talk on Shunya Talks with Dr. Lim and we are going to have some great lessons to learn. Till then, thank you so much for joining. Aap log ka sach mein
शुक्रिया, आप लोग मेरे से एडजस्ट मेरे साथ एडजस्ट होते हो हमेशा। मैंने देखा है करीबन 100-150 लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और इसी वजह से मैं ये कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इन दिस लॉकडाउन पीरियड आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग सो दैट इट इज़ फन फॉर यू, फन फॉर मी, एंड वी हैव अ लर्निंग। एंड टुडे वी लर्न टू बेस्ट प्रोडक्ट्स, आर टू बेस्ट प्रोडक्ट्स। रिमेंबर, नीली तेल बालों के लिए जरूरी है। सेकेंड, ज्ञानो मसाज ऑयल, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, पाम ऑयल बेस्ड, गैनोडर्मा बेस्ड। अपने बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, यू शुड बेटर यूज दैट। ओके, सो यू हैव टू बेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्राई टू पिच देम, अच्छी तरह बेचो इसे। जाते जाते मैं गाना सुनाते हुए जाऊंगा, और फिर मिलेंगे हम संडे को सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय।